अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किरण्स फूड गैलरी। आज मैं बना रही हूँ रशियन सैलड। रशियन सैलड के लिए मैंने लिए हैं अंगूर, लिए हैं 3 अदद बनाना, लिए हैं मैक्रोनीज, लिए हैं गाजर, सेब, मटर और किशमिश, और ये वाइट पेपर लिए हैं, आलू लिए हैं, ब्लैक पेपर है, नमक है, पिसी हुई चीनी है, मायोनीज है, क्रीम है, फ्रेश क्रीम है। आलू, मटर और गाजर तीनों चीज़ों को मैंने उबाल लिया, पहले से बॉईल करके रख लिया। सिर्फ इनको 3-3 मिनट के लिए बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं गलाना इनको। और मैक्रोनीज को भी मैंने बॉईल कर दिया। पहले मैं मायोनीज निकालूंगी, ये मैंने घर की बनी हुई ली है, ये मैंने खुद बनाई हुई है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है। ये मैं फ्रेश क्रीम लूंगी, इन दोनों को मिक्स करेंगे, क्रीम और मायनीज को। ये व्हाइट पेपर भी इसमें डालूंगी, ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून मैंने व्हाइट पेपर लिया। एक टीस्पून नमक ऐड कर दूंगी इसमें, टीस्पून मैं पिसी हुई चीनी, आधा किलो मैंने एप्पल लिए हैं, एप्पल को उसी टाइम काटना है, बेशक इसके अंदर ही काटते, ज़्यादा देर कटा रहने से इसका सेब का कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाता है, इसको इसलिए इसको साथ साथ ही काटना है और साथ ही इसमें डालते जाना। अब मैं इसमें डाल दूंगी अंगूर, मटर, गाजर, ये आलू, आप अपनी मर्जी से जो भी चाय डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं, जो जो चीज़ आपको पसंद हो कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैक्रोनीज, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो शेयर एंड लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये थोड़ी सी किशमिश भी, अब आप इसको चेक कर लें टेस्ट के मुताबिक, नमक और चीनी इसकी जो है, वाइट पेपर जो है टेस्ट के मुताबिक हो, अगर आपको कम या ज़्यादा कम लगे तो ज़्यादा कर सकते हैं उसको। रशियन सैलड हमारा बिल्कुल रेडी है, ये देखें कितना अच्छा बना और बहुत ही मज़े का बना। इसमें मैंने वाइट पेपर और 1 टीस्पून ऐड किया, ये मैं डिश आउट करती हूँ इसको।
सैलड को मैंने डिश आउट कर दिया। ये देखें बड़ा ही मज़े का बना है, बहुत ही अच्छा बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।